सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं डीजे राजेश ब्लॉग, और आज हम आपको बताने वाले हैं 15 इंच स्पीकर कैसे बनता है। तो चलिए गाइस बताते हैं। तो ये देखिए, ये स्पीकर PIDO V3 मॉडल, और ये स्पीकर जल चुका है जो अभी हम इसको फार के अभी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए गाइस कितने डेंजर तरीके से ये स्पीकर जला हुआ है। इसे क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए गाइस कितने डेंजर तरीके से ये स्पीकर जला हुआ है। ये देखिए, यहाँ वायर भी टूट चुका है और ये साफ करना पड़ेगा हमें। देखिए ये कैसे निकल रहा, और अब ये पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें थोड़ा सा भी कहीं है नहीं। तो फाइनली ये स्पीकर देखिए अभी साफ होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये और कितने फिनिशिंग से ये साफ किया गया है, और देखिए कहीं भी पेपर ये कटा हुआ नहीं है। और हम आपको दिखाएंगे अभी इसमें जब कॉइल लग जाएगा तब। तो देखिए PIDO V3 मॉडल, कॉइल लग चुका है और एलईडी लगाने का और किया जा रहा है। चलिए हम दिखाते हैं एरल्डाई लगा कैसे होता है स्पीकर।
से एरर डायल अप चुका है। और इससे अब कैप लगाने का वर्क किया जाएगा एरर डायल टूटने के बाद। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉइल लग चुका है और कितने अच्छे तरीके से कॉइल लगा है, और इसका कैप लगवा के हम दिखाते हैं कैसा ये लग रहा है लुक लाइक। स्पीकर PIDO V1 मॉडल, जो स्कैनर लगा हुआ देख रहे हैं आप, कंपनी का स्पीकर है ये, और इस पर भी एरर डाई लगाने का वर्क करना है। तो अभी हम एरर डाई लगाने जा रहे हैं, इस पर दिखाते हैं एरर डाई कैसे लगा।
फाइनली गाइस आप देख सकते हैं इस पे भी एरल डाई और कैप लग चुका है, ये स्पीकर फाइनल हो चुका है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।